मम्मी आप क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ कटहल, कटहल? खसखस वाला स्पेशल कटहल। वाह, खसखस वाला, दैट्स वेरी टेस्टी एंड वेरी डिफरेंट। तो हाँ, उसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑफ कोर्स कटहल चाहिए ओके, और खसखस है तो खसखस चाहिए। खसखस, ये है हाँ, ये खसखस। खसखस मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दी थी, अच्छा बस भिगो के और छान लिया है। ये इसका पानी भी यही है, ओके ठीक है। और हमें चाहिए घी, ओके उसके बाद हमें चाहिए जीरा, ओके पीसी भी अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, कसूरी मेथी, ओके धनिया गार्निशिंग के लिए, खड़ा गरम मसाला, हाँ, थोड़ा सा रवा। थोड़ा सा रवा भी चाहिए हमें। हाँ, ओके रवा ऑप्शनल है तो। और हमें चाहिए नमक, ओके हल्दी, पीसी लाल मिर्च, ओके पिसा धनिया, हाँ जी अमचूर और गरम मसाला हाँ जी और थोड़ी सी रतन जोत। रतन जोत ओके। और हमें चाहिए दही। रवा अगर घी में डाल दो शुरू में ही भूनने में थोड़ा सा, तो रवा से टेक्सचर भी सब्जी का नहीं बिगड़ता, टेस्ट भी नहीं बिगड़ता, पर ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है अच्छा क्योंकि हम इसमें प्याज और टमाटर नहीं डाल रहे हैं, ये बिना प्याज टमाटर का बना रहे हैं। ओके हाँ, तो रवा डालने से ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। अगर इसमें बेसन डालें गाढ़ा करने के लिए या ब्रेड क्रम्स डालें तो उससे ग्रेवी में टेक्सचर बदल जाता है टेस्ट और भी बदल टेस्ट जाएगा भी बदल क्योंकि जाता बाकी है। सब चीजों का टेस्ट स्ट्रांग होता है और रवे का हाँ, टेस्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता है। आएगा ही नहीं, रवे का टेस्ट पता नहीं चलता इसे। ओके तो हमने प्रेशर कुकर में घी डाल दिया है और हाँ, हम इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। घी गरम हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा ओके और इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले। ओके तो ये एक बड़ी इलायची है जो मैंने क्रश कर ली, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और एक ये बे लीफ ओके तेज पत्ता। ये अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी रतन जोत। रतन जोत फॉर नाइस रेड कलर। हाँ, और रतन जोत का कोई फायदा भी होता है? रतन जोत बालों के लिए अच्छी होती है। बालों के लिए अच्छी होती है। हाँ, ओके अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक। पिसा हुआ अदरक डाल दिया हमने, हाँ, हरी मिर्च डाल दी हमने, कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और हम हमारा घी एकदम गरम है तो फटाफट से सब चीज भून इसमें रही हमने है। थोड़ा सा ये रवा डाल दिया, ये 1 टीस्पून रवा है बस। सिर्फ 1 टीस्पून रवा डाला है हमने और उसको भी हमने सारे मसालों के साथ भून लिया ये है। देखो, रतन जोत ने अपना कलर दिखाना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे खसखस। खसखस बाजार में आसानी से मिल जाता है, मसाले वाली दुकानों पे। हाँ, तो खसखस डालने से सब्जी में क्या फायदा होता है? खसखस से एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा इसका और टेक्सचर थोड़ा दानेदार टेक्सचर हो जाएगा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेक्सचर हो जाएगा हाँ, ग्रेवी का। और फिर नहीं तो हर चीज में जैसे ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए हम प्याज और टमाटर डालते रहे तो वो हर चीज का टेस्ट एक जैसा रेस्टोरेंट जैसा हो जाता है। ये इसका पानी भी अब हम इसमें डाल देंगे। तो जिस पानी में हमने खसखस भिगोया था वो पानी भी हमने इसमें डाल दिया है। हाँ, 1-2 मिनट ही लगते हैं इनसे भूनने में और ये भून गया था। और जल्दी से हमारा सारा मसाला भून गया है। हाँ, अब थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। हमने पानी डाल दिया है थोड़ा सा ताकि हमारे मसाले जले नहीं, ताकि हमारी खसखस और रवा ना जले। मसाले मसाले इसमें अब डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया जिससे ये पकता रहे थोड़ा सा, और हम दही में मसाले डालेंगे अभी। ओके तो ये हमने 1 कटोरी दही लिया है और इसको अच्छे से फेंट लिया है। तो इसी में हमने कटहल के हिसाब से, कटहल हमारा 300 ग्राम के करीब है ओके और ये हल 2 विसल दे के और थोड़ा बॉईल किया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो कटहल को हमने थोड़ा सा बॉईल किया हुआ है, थोड़ा सा गला लिया है, पूरा नहीं पर 2 स्टीम दे दी है। और इसमें आधी चम्मच हमने हल्दी डाली और डालेंगे हम इसमें पिसा हुआ धनिया,
दही को हमने स्मूथ कर लिया, उसके बाद हमने उसमें डाला नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और अब हम डाल रहे हैं उसमें लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले हम दही में बाहर ही मिक्स कर लेंगे। और हमने इसमें हरी मिर्च डाली है और हम इसमें पिसा गरम मसाला भी डालेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लाल मिर्च उसी हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हम इसमें और भी तरीके के मिर्च और फ्लेवर यूज कर रहे हैं जैसे गरम मसाला और हरी मिर्च। हाँ, ये हम इसमें भी अच्छे से उबाल आ गए तो हम इसमें अभी मसाले दही समेत डाल देंगे। दही वाले मसाले हमने, दही और मसाले हमने अब इसमें ऐड कर दिए हैं जब हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ गया था 2-3 मिनट के लिए। हाँ, पानी भी हमने इसलिए इसमें ज्यादा डाला कि दही फटे नहीं। अच्छा। हाँ, नहीं तो दही फट जाता, इसलिए तो हम नहीं चाहते कि हमारा दही फटे इसके अंदर, इसलिए हमने पानी की क्वांटिटी अच्छी सी रखी है। अब हम इसमें कटहल ऐड कर रहे हैं। कटहल में चाहे तो आलू भी कटहल के साथ डाल सकते हैं। मैंने कटहल सिर्फ बॉईल करके डाला है, चाहे तो इसमें कटहल वो बॉईल करने के बाद वो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, और आलू भी ऐसे ही बॉईल करके और फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो कुछ लोग कटहल जो है और कटहल आलू जो है वो फ्राई करके बनाते हैं, डीप फ्राई करके। हाँ, तो हम वैसे नहीं बना रहे हैं क्योंकि उससे थोड़ा सा हैवी हो जाता है, पर जो बनाना चाहते हो वो ऐसे फ्राई करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे ऐसे बनाने में और वैसे फ्राई करके बनाने में टेस्ट में कोई खास फर्क नहीं आता। तो फ्राई करने में और बॉईल करने में टेस्ट में कोई खास फर्क नहीं आता, लेकिन हम बॉईल करके ले रहे हैं, लोग फ्राई करके भी डाल सकते हैं, कटहल भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं। हाँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं। तो हम इसको प्रेशर कुक करने वाले हैं, इसलिए हम इसमें पानी थोड़ा ज्यादा की तरफ रखेंगे ताकि वो सूखने के बाद सही कंसिस्टेंसी आ जाए ग्रेवी की, है ना। हाँ, अब 2 मिनट के लिए हम इस पे ढक्कन ऐसे ही रखेंगे। ओके। जिससे कि फ्लेवर इसी में रहे और इसको सीटी नहीं लगाएंगे, तो फ्लेवर्स में कटहल थोड़ा सा कुक हो जाए, इसलिए हमने इसका ढक्कन लगा दिया है, लेकिन हमने इसका ढक्कन पूरी तरह से बंद नहीं किया है। ये कटहल में अच्छे से उबाल आ गया है। ओके। तो ये थोड़ा सा रस गया है इसमें, 4-5 मिनट हो गए। इसमें थोड़ी सी अब कसूरी मेथी डालेंगे हाथ से क्रश कर, और अब हमने उसमें ऐड कर दिया कसूरी मेथी। हाँ, अब हम इसको क्योंकि ये पका हुआ है, थोड़ा सा बॉईल हुआ हुआ है, तो हम इसे सिर्फ ढक्कन लगा के एक स्टीम देंगे। ओके। ये हमारा कटहल तैयार हो गया है, अब इसको हम देखेंगे। 2 विसल इसमें आ गई थी, तो हमने कटहल को 2 विसल दे दिया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कटहल अच्छे से गल गया है कि नहीं। हाँ, ये कटहल हमारा अच्छे से अब गल गया एकदम। अरे वाह, मस्त हो गया है बिल्कुल। हाँ, इसकी ग्रेवी देख लेंगे, अगर गाढ़ी हो गई है वैसे काफी, देख लेंगे अगर इसमें गाढ़ी रखनी है कितनी या पतली करनी है। वैसे तो ये लबदड़ है, ये अच्छा लगेगा। हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर, हमारे वाले की ग्रेवी काफी गाढ़ी है, हमें ज्यादा गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है। और हमने डाल दिया है अब अमचूर, क्योंकि हमारा कटहल गल गया है। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं। गरम मसाला हमेशा लास्ट में ऐड करना चाहिए ताकि उसका फ्लेवर लूज ना हो। ओके, तो गरम मसाला ऐड करने के बाद हमेशा ढक्कन बंद करके थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए ताकि उसका फ्लेवर उसके अंदर ही रहे। हाँ, हाँ, ये कटहल हमारा बिल्कुल रेडी है। ओह, लुक्स वेरी नाइस। सर्व कर लेंगे। तो ये कटहल बिल्कुल डिफरेंट है, लोग जनरली कटहल खाना पसंद नहीं करते हैं या उनको कटहल की सब्जी बोरिंग लगती है, तो ये बहुत यूनिक सा अलग सा फ्लेवर है। ऐसे कटहल बनाने से कटहल बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। यूजुअल जैसे वो प्याज टमाटर की एक सेम ग्रेवी होती है, उससे थोड़ा सा अलग हटके है। और ये भी है कि सारी जो हैवी मतलब सारी वैसी अच्छी वाली सब्जियां प्याज टमाटर की ग्रेवी वाली बनती है, तो ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग है, बहुत ही रिफ्रेशिंग चेंज है ये।
अब इसको हम धनिया पत्ती से गार्निश कर दें। तो कटहल हमारा बिल्कुल रेडी है और हम इसको गार्निश कर रहे हैं धनिया से। एकदम यूनिक कटहल बना है ये, है कटहल जिसको हमने बनाया है खसखस के साथ। हाँ, खसखस ठंडी होती है और गर्मियों में जरूर खानी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और इसकी ग्रेवी बनाई है हमने दही से।